हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ मेरे ही चैनल पर जिसका नाम है मेहर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर और एक यूट्यूब चैनल को आप कैसे ऐड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की फ्रंट पेज पर। हाँ दोस्तों, मैं इसके बारे में आज फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मैं जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन होने वाला है। आप देख सकते हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। तो ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली जाना होगा व्यू चैनल पर। ठीक है, व्यू चैनल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। व्यू चैनल पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद और एक पेज आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, आपका यहाँ पर नीचे जो एड ए सी टैग जो लिखा है यहाँ पर, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर कॉन्टेंट को आप यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको चैनल ऐड करना है या प्लेलिस्ट ऐड करना है या पर वीडियो ऐड करना है, आपको जो भी यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको तो चैनल ऐड करना है अपने यूट्यूब चैनल का फ्रंट पेज पर। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कस्टम ग्रुपिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। ठीक है, कस्टम ग्रुपिंग यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड चैनल जो लिखा है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा और कोई भी चैनल का आपका लिंक यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एंटर चैनल यूआरएनएम, यहाँ पर यूआरएलएम आपको लाना होगा अपने चैनल का। और यहाँ पर यूआरएल लाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है आपको सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। मैं पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन है यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ। ऐड कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो है वो मेरा चैनल का लोगो यहाँ पर आ चुका है। आ जाने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पर चैनल आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइटल डालना होगा, ये मेरा कौन सा चैनल है, क्या क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर टाइटल देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेती हूँ माय न्यू चैनल, न्यू चैनल। ठीक है, माय न्यू चैनल लिख देने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना होगा डन पर। यहाँ पर जो डन का ऑप्शन है आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चैनल आ गया है। तो ये कैसा दिख रहा है, मैं आपको एक प्रूफ आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये चैनल कैसा दिख रहा है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं अपने जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद अपने चैनल पर क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ रहा है मेरा न्यू चैनल। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है आप कैसे करके यहाँ पर ऊपर ला सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। आपको सिंपली यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा जो, ठीक है, यहाँ पर जो तीर का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद ये जो चैनल है वो ऊपर चला जाएगा, आप देख सकते हैं ये ऊपर चला गया। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर ऊपर आ गया या नहीं, मैं एक बार इसको स्वाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्वाइप कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल ऊपर आ चुका है, जो फ्रंट पर आ चुका है। जो भी मेरा चैनल को ओपन करेगा यहाँ पर माय न्यू चैनल का अब यहाँ पर ऐड आ जाएगा और कोई भी देखेगा कि हाँ इसका जो एक और एक न्यू चैनल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।